सो अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम लोग जा रहे हैं अभी करने डिनर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दिन मूवी दिखाई जाती है रिजॉर्ट के अंदर और एक दिन ना गिटार शो होता है। सो एंटरटेनमेंट भी पूरा होता है रिजॉर्ट के अंदर। तो अभी शायद गिटार शो है या पता नहीं मूवी क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं, कन्फर्म नहीं है। और कंचन को फ़ोन भी आया था अभी यहाँ पे कि गिटार शो है, कंचन तो यही बोल रही है, बाकी देखते हैं अभी चल के गिटार शो है। तो थोड़ा देर गिटार देखते हैं क्या चलता है वहाँ पे और फिर करेंगे अपना डिनर। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, थोड़ा सा डीओ लगा लेते पहले। क्यों सवेर से नहीं लगाया, जूम में लगा के नहीं, सारी रात दिन निकल गया हूं। रात में खाने तो पहले डीओ लगा लो, लगा लो ऐसे रात को यहां पे जंगल में डीओ नहीं लगाते। अब तो ये कवर है पूरा की पूरा। आज इतनी नॉलेज मिली है ना हमको कि जंगल में क्या करना चाहिए, क्या अलाउड है, क्या नहीं है, क्या ये सब हम शेयर करेंगे आपको। बड़ी वियर्ड सी चीजें पता चली है। अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है रिजॉर्ट में। तो ये है हमारा डिनर, मंचूरियन, शाही पनीर, दाल, रायता, चावल का डिपार्टमेंट कंचन का, मेरी रोटी आ रही है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो सुबह के बज रहे हैं 8:30, बहुत जल्दी उठा आज मैं। सुबह 6:30 उठा क्योंकि व्लॉग एडिट करके नहीं सोया था, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, थके हुए थे। तो सुबह 6:30 उठ के व्लॉग एडिट किया 2-2.5 घंटे में। फिर अभी बजने वाले 9, तो अभी करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि फिर आके दोबारा सोऊंगा मैं, अभी नींद पूरी नहीं हुई ढंग से। और क्या है, ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली मिस नहीं कर सकते। और 10:30 बजे तक ही है क्योंकि फालतू में दोबारा पैसे भर के कौन ब्रेकफास्ट करेगा, इसलिए अभी सुबह सुबह ही जा रहे हैं। तो ये सुबह सुबह का व्यू है, फुल ग्रीनरी, और इधर एक लॉन है छोटा सा, ये पत्थर भी छाए हुए हैं छोटे छोटे, पूरा नेचर लगता है ये। सो यहाँ से सामने जंगल है, पूरा पहाड़ देखो पीछे, ये सारा सुंदर लग रहा है ना। सो चलो। सो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, ये यहाँ से होती है एंट्री, ये बैठने का है सारी सिटिंग, यहाँ पे ये खाना खाए हुए आए हुए लोग। और वहाँ सामने लगता है बूफे, ये सब सीटिंग है। और ये सब देखो, सब बांस का वो बना हुआ है, सब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ये। और ये देखो, ये ईंटों का बना, ईंटों का नहीं है, ये पत्थरों का रखा हुआ है ना, नेचुरल सा है सब कुछ। सो ब्रेकफास्ट करके हम आ गए थे, और ब्रेकफास्ट में था इडली, सांभर, पराठे, कुछ सेवियाँ थी नमकीन वाली, और आलू थे। वहाँ पे मैं वीडियो बनाना भूल गया खाने के चक्कर में। सो अभी हो चुके हैं नहा धो के रेडी, और मैं भी आपको देता हूँ अपना रूम टूर और रिजॉर्ट टूर। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है रिजॉर्ट, तो रूम तो भी बढ़िया है, लेकिन जो बाहर से ग्रीनरी है रिजॉर्ट में वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत महंगा रिजॉर्ट है ये, और बहुत ख़तरनाक रिजॉर्ट है यहाँ पे, क्योंकि टाइगर ट्राइगर ईजिली आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत फेंसिंग लगी हुई इलेक्ट्रिक की, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ी मधुमक्खी है, बहुत बड़ी मधुमक्खी है। ये है हमारे रूम की एंट्री। सो ये है हमारा रूम, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे पहले एक बैग है जो हमारा ही है, वो घर से लाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको मिल जाता है ये। यहाँ पे आप रख सकते हैं बैग वगैरह जो भी है, और ये मिल जाएगा एसी, और ये यहाँ पे बड़े दो हिरन, अरे ये निकलता भी है, दो हिरन, ये वही सलमान खान वाले हिरन है दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है प्लास्टिक को लेकर, जो बड़ी अच्छी बात है, नो प्लास्टिक, सिंपली फैंटास्टिक। तो यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रॉज वगैरह नहीं यूज होते,
ठीक है, ये सब मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ है। और यहाँ पे टाइगर, तो ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व है तो टाइगर की फोटो तो लगेगी। और इधर देखो, इधर मिल जाता है कॉफी टेबल, यहाँ पे आप चाय कॉफी जो भी मैंने बना के पी सकते हो, कंचन तो पी भी चुकी है। और यहाँ पे है ये रूल्स, जो हाउस रूल्स हैं इसके, कॉर्बेट मशान रिजॉर्ट है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेचुरल बर्ड्स रहती है रिजॉर्ट के अंदर ही, तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि म्यूजिक वगैरह नहीं बजा सकते। और फूड जो है वो रेस्टोरेंट में जाके मिलेगा आपको, रूम पे नहीं मिलता, मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो लंच डिनर ये सब होते हो आपको वहीं जाके खाना है। और सबसे बढ़िया है लास्ट वाला, वी डू नॉट हैव टीवी इन द रूम्स, टॉक टू ईच अदर, प्रिटेंड इट्स 1975। टीवी नहीं है यहाँ पे रूम्स में। और इतनी प्यारी पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स और यहाँ पे वॉल पे टाइगर रिजर्व है तो सब टाइगर प्रिंट के हमको दो क्वेश्चन है। और ये बेड पे पता नहीं रखने का होता है। और यहाँ पे मिल जाएगी दो लकड़ी की चेयर, बैठ के दिखा दो। और ये यहाँ पे एक सोफा मिल जाएगा, सिंगल सोफा। और ये है यहाँ की एक विंडो जिससे बाहर का व्यू है, ये वो मैं आपको बाहर का व्यू तो रिजॉर्ट का वैसे ही दिखा दूंगा। और ये यहाँ पे लैंप्स देखो लकड़ी की, और ये सीलिंग हाइट क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, जो भी हाइट है नीचे से ऊपर वो देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा रूम है ये। और ये सारी फोटोज़ यही कॉर्बेट रिजॉर्ट की है टाइगर की। इधर आ जाएंगे तो आपको मिलता है एक मिरर, यहाँ पे भी सामान वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, स्टोरेज कपड़े टांगने के लिए, पीछे से फैंस कुछ हाथ हिला रहे हैं। और ये है वॉशरूम जहाँ पे आप धूम मचा सकते हैं, अच्छा खासा बड़ा मिल गया, वो काफी बड़ा है, भी काफी बड़ा है, बड़ा और लग्जरी कॉटेज है इसका नाम, पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। सो मतलब नेचुरल, यहाँ अपनी फोटो लगा के जाएंगे। बेसिकली ये सारे रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट ही एक नेचर का है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जंगल घूमने आते हैं, तो इसको थोड़ी थीम भी इसकी वही रखी हुई है जंगल की। और अभी मैं आपको रिजॉर्ट दिखाता हूँ बाहर से, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिजॉर्ट है ये। और ये है यहाँ का पूल जो हमने यूज़ नहीं किए हैं, उतर के देखो नीचे नहाना, बाल्टी वाल्टी ले आओ, पूल देखते हैं शाम को अगर प्लान बनता है तो, है ना। यहाँ पे भी स्विमिंग पूल के रूल्स हैं, मतलब हर जगह यहाँ पे अपने रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे पूल के साइड में कुछ सिटिंग एरिया है, कुछ खाना पीना, ये भी रास्ता जाता है कहीं और, ये भी रास्ता कहीं और जाता है, इधर चलते हैं, हम इधर नहीं गए, आ जाओ इधर चलते हैं, इधर बच्चों वगैरह के लिए बेस्ट है यहाँ पे झूले झूलने के लिए, झूलो देखो तुम्हारा वेट ले पाते हैं ना। पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में। सो ये ऐसे ग्रीनरी है हर साइड पे, ऐसे रास्ते जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ, ये रूम्स की डायरेक्शन है, वो बिल्कुल सामने हमारा रूम है। और ये सारी ना कॉटेजेस हैं, ये कॉटेजेस हैं अलग अलग, तो यहाँ आगे हम गए नहीं हैं। ये है मस्त सी लॉन, अरे आ जाओ, वो आई नहीं रही। तो ये है मस्त सी लॉन यहाँ पे कॉटेजेस। और यहाँ पे आपको ऐसे विला टाइप भी मिल जाते हैं, तो ये दो पोर्शन विला के हैं ये दोनों। अब चलते हैं वापस, आप यहाँ पे चिल कर रहे हो, आगे ये तो विलाज हैं इधर, हाँ बस ऊपर नीचे जो होते हैं जैसे पीछे नहीं बन रहे, हाँ रूम से बाहर निकलते ही गार्डन, बाहर ही ना निकल जाना, कहाँ जा रहे हो, हाँ ये जंगल ही जंगल यार, वो देखो ये सारा जंगल है, वो पीछे पहाड़ भी है बादलों से घिरे हुए, यहाँ पे शायद और विलास बन रहे हैं। ये देखो ये आपको फेंसिंग दिख रही होगी,
ये सब जानवरों से बचने के लिए, स्पेशली टाइगर। और इलेक्ट्रिक फेंस हैं, इनमें रात को ना बिजली आ जाती है। अच्छा, रात में। और ये सारा जंगल का कनेक्टेड पार्ट ही है हमारा रिजॉर्ट एकदम सेंटर में। Thank you.